हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1920। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैलकुलस में किस किस टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कैलकुलस टोटल है आपका 35 मार्क्स। अब ये 35 मार्क्स आपने कैसे स्कोर करने हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उनका एप्लीकेशन प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल मिला के 5 चैप्टर हैं आपके, जिसमें 7th चैप्टर यानी इंटीग्रल तो बहुत ही वास्ट है, 11 एक्सरसाइज प्लस मिसलिनियस अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज है। तो उतना सारा करके भी आपको केवल कितने 10 टू 11 मार्क्स ही स्कोर हो पा रहे हैं। तो उसको पूरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने किया है उसमें से कुछ कुछ टॉपिक हैं, एक तो आपने प्रॉपर्टीज़ वाली एक्सरसाइज ठीक से कर देनी है अच्छे से, मिसलिनियस एक्सरसाइज में जितने लिमिट वाले क्वेश्चंस गिवन हैं उससे प्रीवियस, मिसलिनियस से प्रीवियस जितने सॉल्व एग्जांपल हैं, लिमिट वाले जो क्वेश्चन हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, उनको आप कंप्लीट कर दें। इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक आप कर दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन, और एक जो स्पेशल एक्सरसाइज है, स्पेशल फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.4, उसमें जो लास्ट के 4 और 5 क्वेश्चंस हैं उनको आप ठीक से कर दें, जिसमें लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक ये फॉर्म है, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, एक ये फॉर्म आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मिसलिनियस स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है, सब्स्टिट्यूशन वाली जो सेकेंड एक्सरसाइज है, और एक आप कर दें आइलेट वाली एक्सरसाइज, ठीक है। बस ये दो एक्सरसाइज ढंग से कर लें, एक ये वाली एक्सरसाइज, एक आइलेट वाली एक्सरसाइज प्रोडक्ट वाली, और एक सब्स्टिट्यूशन वाली। बहुत ज़्यादा नहीं करें इसमें स्ट्रेस, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव 1 मार्कर, 2 मार्कर और एक 6 या 4 मार्कर ही आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। 5 एक्सरसाइज हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे 4 या 6 मार्कर क्वेश्चन आएगा कंपलसरी, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल स्टार्टिंग के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 17, वो 3 अलग हैं टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन शॉर्ट हैं। कोई आपको एक कर्व दे दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, या कर्व दे दिया आपको एक्स इक्वल टू एफ टी और वाई इक्वल टू एफ टी पैरामीट्रिक फॉर्म में, स्लोप आपको फाइंड करना है नॉर्मल या टेंजेंट किसी का भी, उस टाइप के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, या रेट आपको फाइंड करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको ही आप ट्राई करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली एक क्वेश्चन तो आपका किससे आ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमा से, और मैक्सिमम मिनिमा वाली एक्सरसाइज में जितने भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हैं, आपको सपोज क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आपको जो फंक्शन गिवन है, इंटरवल नहीं बनाया आपने कोई बात नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, आप उसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, 1 और 1.5 मार्क्स तो आपको यहाँ तक मिल जाएगा अगर वो 4 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन को क्लियर नहीं छोड़ना है आपने, उसको स्टार्ट जरूर कर दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपके पास डिफरेंशिएशन में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कॉन्टिन्यूटी की, और सेकंड एक्सरसाइज में लास्ट का 9 और 10 जो डिफरेंशिएबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो जरूर बताए हैं आपको, उनकी सीरीज आप एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी जरूर कर लें, लॉग वाली एक्सरसाइज जरूर कर लें, एक पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, और मिसलिनियस के 7 और 8 क्वेश्चंस हैं, प्लस सॉल्व एग्जांपल बिफोर मिसलिनियस एक्सरसाइज, दैट्स इट। रोल्स थ्योरम का 1 क्वेश्चन, 1 मीन वैल्यू का क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली 1 2 मार्कर और 2 1 मार्कर आपके आने हैं, तो वो इजी क्वेश्चंस होंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन है उसमें आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, या इक्वेशन गिवन है उसका आपने ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है, या सिंपल वेरिएबल सेपरेशन का केस है वो आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। बहुत ज़्यादा लेंदी इसमें से नहीं आने वाला है, तो इजी क्वेश्चन ट्राई करें, और जो इक्वेशन फॉर्म करने वाली एक्सरसाइज है उसमें जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं
उनको ज़रूर देख लीजिएगा कि उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा बहुत अच्छे से करना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व बहुत अच्छे से करनी है, ये दो एक्सरसाइज बहुत सही से कर दीजिए। एरिया में आप अगर सेकेंड एक्सरसाइज को ढंग से कर लेते हैं, एक्सरसाइज 8.2 और उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन करने के लिए। केवल उसका मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, प्लस जो कर्व आपने ड्रॉ करना है कि वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है या एलिप्स को या पैराबोला या लाइन, केवल चार कर्व आपने करने हैं और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। उनको अच्छे से कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, ये क्वेश्चन कंपलसरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी से क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। इंटीग्रेशन में आपको दोबारा बता दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लें, और जो सॉल्व एग्जाम्पल में डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप लिमिट ऑफ सम करते हैं तो लिमिट ऑफ सम के इजी क्वेश्चन शुरू के एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लें, ताकि आप छोड़े नहीं क्वेश्चन को, और इस तरह से आप आराम से 25 तक इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, जो टॉपिक श्योर हैं उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर दीजिए, और बाकी पूरा इंटीग्रेशन करने नहीं बैठ जाएं, क्योंकि केवल आज का दिन आपके पास है। इंटीग्रल में पार्शियल फ्रैक्शन और दूसरा आपको ये जो फॉर्म बताया है इसको ज़रूर कर लें, और एक अंडर रूट कॉट प्लस अंडर रूट साइन सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स ज़रूर देख लें इंटीग्रेशन के, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे। करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है। थैंक यू।